आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन, तो हम देख लेते हैं कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो होती हैं वो होती कौन कौन सी हैं, जो मेन मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दूसरी होती है पायरोमेटलर्जी और तीसरी होती है हाइड्रोमेटलर्जी। जो इलेक्ट्रो होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड होती है। इलेक्ट्रोलिसिस से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का। जो पायरो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और जो हाइड्रो होती है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सेस में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है हाइड्रोमेटलर्जी का वो है एजी और एयू का एक्सट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए Ag2S है, सिल्वर सल्फाइड है, तो इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं NaCN, जिसके साथ में जो सिल्वर है वो बना लेता है कॉम्प्लेक्स, हमें बन जाता है NaAgCN twice, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद हम इसमें जिंक डालते हैं, जिंक क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा अच्छा मेटल होता है, तो यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है Na2ZnCn4 और साथ में Ag प्योर मेटल हमको मिल जाता है। तो ये एक हाइड्रोमेटलर्जी का एग्जांपल है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ए हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।